हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख लो। आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो पानी का पाइप ड्रिल मशीन से होल हो गया है। बाथरूम के अंदर या कहीं भी कंसील पानी का पाइप अगर ड्रिल मशीन से होल हो जाता है तो उसको इजीली कैसे रिपेयरिंग करना है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहो। पहले तो आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, हथौड़ी छेनी से आप लोगों को पाइप का आगे पीछे पूरा क्लियर कर लेना है। देख रहे हो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ जाता है तो यार लाइक करते नहीं करते हो आप लोग, लाइक करो। अगला वीडियो में मैं एम रखा था 1000 लाइक का, इस वीडियो में मैं एम रख रहा हूँ 1010 लाइक का। अगला वीडियो में तो आप लोग 1000 लाइक कर दिए हो, इस वीडियो में 1010 लाइक आप लोग, मेरा उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। तो यहाँ पे तो मैं क्लीन कर लिया हूँ। उसके बाद में आरी प्लेट या फाइल से आप लोगों को पाइप में रफ कर देना है, उसमें सॉल्यूशन पकड़ जाए। देख सकते हो मैं आरी प्लेट से रफ कर लिया हूँ। अगर आपके पास फाइल हो तो और भी अच्छा रहेगा। पूरा क्लीन कर लेना है और पाइप में रफ कर देना है। देख सकते हो मैं कैसे रफ किया हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक इंच का पाइप है तो एक इंच का कपलिन आप लोगों को काट लेना है। एक इंच का कपलिन एक साइड में काटा हूँ और थोड़ा हिस्सा काट लेना। देख सकते हो मैं कितना हिस्सा काट रहा हूँ, यहाँ पे इतना हिस्सा काट दिया हूँ। उसके बाद में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जो इसको ये जो बीट है देख सकते हो घाट है, दो साइड से पाइप जहाँ पे आके बैठता है कपलिन में, उसको आपको पूरा क्लीन कर लेना है। ये कपलिन है और ये कपलिन को मैंने काटा, यहाँ पे देख सकते हो ये जो घाट है बीच का, उसको पूरा क्लीन कर लेना है फाइल से। यहाँ पे मैं फाइल से माँज रहा हूँ, देख सकते हो फाइल से हो आरी ब्लेड से हो, आपको जो अच्छा पड़ता हो उससे आप माँज लेना। फाइल से इजी पड़ता है ये माँजने में। देख सकते हो मैं कैसे फाइल से इजीली माँज रहा हूँ। यहाँ पे पूरा क्लीन कर लिया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे पूरा पाइप क्लीन हो गया है, ये कपलिन पूरा क्लीन कर दिया हूँ। कपलिन का घाट ये देख सकते हो आप लोग, बीच में एक भी मतलब के घाट का जो जहाँ पे पाइप आके बैठता है वो बिल्कुल भी नहीं है, पूरा क्लीन कर दिया हूँ। और ये रहा कपलिन और ये रहा मैं क्लीन किया हूँ वो पाइप के अंदर, ये चिपकने वाला है पाइप के ऊपर में ये चिपकने वाला। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, वो जो कपलिन का कटा हुआ हिस्सा था उसको आप लोगों को थोड़ा माँज लेना है। माँज लेने के बाद में जो उसका पाउडर बस निकलता है उसमें आप लोगों को क्या करना है, एस्ट्रल का ओएडोन सॉल्यूशन जो यूज करते हो यूपीवीसी पाइप में, तो वो आप लोगों को मिक्स कर देना है सॉल्यूशन के साथ में। यहाँ पे मिक्स कर लिया हूँ। उसके बाद में जहाँ पे होल हुआ था वो ये हिस्से में मैं लगा दिया हूँ, देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे होल हुआ था ठीक उसी हिस्से में मैं लगा दिया हूँ। उसके बाद में थोड़ा सूख जाने के बाद में और एक बार आप लोगों को पूरा लगा देना है। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम देना है, इसमें सॉल्यूशन दे दिया मैं, उसके बाद में थोड़ा सा टाइम देना है, सूख गया है, सूख जाने के बाद में और एक बार हाथ से सॉल्यूशन घिस देना है। उसमें सॉल्यूशन घिस दिया हूँ और यहाँ पे मैं कपलिन में सॉल्यूशन लगा रहा हूँ जिसको मैं माँजा था, मतलब कि फाइल से उसको क्लीन किया था, उसका घाट को माँज दिया था पूरा। उसके बाद में पाइप में आपको पाइप का चारों साइड आप लोगों को लगा लेना है। जो यूपीवीसी पाइप में आप लोग सॉल्यूशन यूज करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एस्ट्रल का पाइप है तो एस्ट्रल का यूपीवीसी सॉल्यूशन यूज कर रहा हूँ। देख सकते हो पूरा आगे पीछे पूरा सॉल्यूशन इसमें लगा लेना है बराबर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइप में भी सॉल्यूशन लग गया, कपलिन में भी सॉल्यूशन लग गया। उसके बाद में आप लोगों को कपलिन को ऐसा पाइप के ऊपर बिठाना है, छीनी से चिपका देना है। देख सकते हो कैसे चिपक गया
बहुत ही खूबसूरती से चिपका है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, सेंटरिंग का वायर आप लोगों के पास अगर पड़ा है तो सेंटरिंग का वायर से उसको बराबर से बांध देना है। सेंटरिंग का अगर वायर आप लोग ना इस्तेमाल करके क्लाम का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि फिक्स क्लाम आता है वो इस्तेमाल करते हो, तो 100 गुना बेटर रहेगा ये सेंटरिंग का वायर से। यहाँ पे मैं सेंटरिंग का वायर यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास वो फिक्स क्लाम है नहीं, तो ये सेंटरिंग का वायर जो है इसमें मैं यूज कर लिया हूँ। तो आप लोगों को यूज क्या करना है, जो फिक्स क्लाम आता है वो फिक्स क्लाम यूज करना है। ये देख सकते हो ये फिक्स क्लाम है, ये 3-4 इंच का है, जो 1 इंच का कपलिन के ऊपर फिक्स क्लाम लगने वाला है वो 1.25 इंच का फिक्स क्लाम होता है, ये 3-4 इंच का है। फ्रेंड्स मैं जो तरीका बताएं वो तरीका से काम करके अगर ऐसा क्लाम कपलिन के ऊपर 2 लगा देते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका लीकेज बंद हो जाएगा, भले ही वो प्रेशर पंप का लाइन क्यों ना हो। अगर आप लोग ऐसा करते हो, आप लोगों का लीकेज नहीं बंद हुआ, तो आप लोग मेरे वीडियो में कभी भी लाइक मत करना, मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स लीकेज बंद हो जाएगा। देख सकते हो कैसे ये चिपक के बैठता है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, मैं यहाँ पे सेंटरिंग का वायर बांध के पानी टेस्टिंग किया हूँ। ये प्रेशर पंप का लाइन नहीं है, फिर भी मैं ये सेंटरिंग का वायर बांध के मैं पानी टेस्टिंग किया हूँ। 3 घंटे के बाद में ये लीकेज बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को उसके बाद में क्या करना है, बाई चांस कभी भी इसमें लीकेज आने का चांसेस आप लोगों को लगता हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ सीमेंट लेना है। मेरे पास यहाँ पे सीमेंट कम था तो मैं यहाँ पे रेती का इस्तेमाल किया हूँ थोड़ा सा। और वाटरप्रूफिंग में आप लोग जो केमिकल का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट या रोग वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करते हो, वो केमिकल का इस्तेमाल करना है सीमेंट के साथ में। सीमेंट के साथ में इस्तेमाल करने के बाद में पाइप के आगे पीछे पूरा का पूरा उसमें लगा देना है सीमेंट। तो कभी भी आप लोगों का कंप्लेंट वहाँ से लीकेज होने का चांसेस रहेगा, तो ये सीमेंट जो है वो चिपक के बैठ जाएगा सेंटरिंग वायर के साथ, तो लीकेज 100% रुक जाएगा, गारंटी है। तो और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जो वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, तो यार लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखो, आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं प्लम्बिंग का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में, और बहुत सारा वीडियो आगे अपलोड भी करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो यार तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा ऐसे किसी अगले वीडियो में।